विगत लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रयास कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी एक बार फिर सरकार से नाराजगी व्यक्त करते हुए हड़ताल पर जा रहे हैं। प्रदेश भर के करीब 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं। कोरोना का संकट काल चल रहा है और अभी अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मी की बेहद जरूरत है, लेकिन इस बीच संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल चुनौतीपूर्ण है। अपनी पूर्व भी मांगों को लेकर अब तक प्रयास कर रहे हैं, यह सभी स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को अब तक पूरी नहीं होने से नाराज है। दरअसल वर्ष 2017 में की गई लंबी हड़ताल के बाद सरकार ने मांगों को जायज मानते हुए एक नीति बनाई थी, जिसे 2018 में लागू करना था, लेकिन उक्त नीति अब तक लागू नहीं हुई और स्वास्थ्य कर्मचारी की मांगे अभी भी जस की तस है। हड़ताल पर गए स्वास्थ्य कर्मचारी ने सोमवार को नारायणगढ़ में प्रदेश कैबिनेट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी, जिस पर मंत्री जगदीश देवड़ा ने स्वास्थ्य कर्मियों को आश्वस्त किया कि जल्द संविदा कर्मचारी की मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के वित्त मंत्री महोदय से हमारी जायज मांगे, जो पिछले 10 सालों से हम शासन प्रशासन से हड़ताल निवेदन आवेदन के माध्यम से मांग रहे थे, उसके लिए उनसे अवगत कराया है और मामला वित्त में अटका हुआ है, इसलिए वित्त मंत्री से हमको बहुत आशा है और हमें विश्वास है कि वित्त मंत्री जी इसको संज्ञान में लेके इस काम को बहुत जल्द करेंगे। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पे हैं, क्योंकि वो कई सालों से अपनी मांगे सरकार के सामने रख रहे थे पर सुनवाई नहीं हो रही थी। हम भी इस कोरोना महामारी में दिल से सेवा देना चाहते थे, पर मजबूरन हमने शासन प्रशासन को आज से एक महीने से हम निवेदन कर रहे थे और सुनवाई नहीं होने के बाद आज हम इस निर्णय पे पहुंचे कि हमको हड़ताल करने पे मजबूर होना पड़ा। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट।